पत्थर गिरेंगे तो नहीं। ओ तीस चालीस, लेकिन यहाँ तो और ज्यादा ही दिख रही है। और तो अभी देखो हमारे लगे है, उनके लगे है, सबके अलग अलग। अच्छा सबके अलग अलग है, सबके तीस चालीस तो होगी। पांच भाई है जो पांच। अच्छा पांच भाई है। हाँ हमारे दादाजी के पांच भाई है, पांच भाई कम से कम बीस पच्चीस बीस पच्चीस सबके। ये कितने दिन पुरानी ब्याही हुई है? ये एक महीना भी नहीं हुआ इसको, अभी 15 दिन हुए। 15 दिन हुए सिर्फ? कैसी लग रही है आपको सुबजर्नी की यात्रा? हमें हमारे गांव की याद आ गई। अच्छा गांव की याद आ गई। मेरी गाय है। अच्छा गिर की गाय बोलते हैं। गिर की गाय बोलते हैं। अच्छा बहुत सीधी गाय होती है, सबसे सीधी गाय होती है। सबसे सीधी गाय होती है। नाम क्या है आपका? हमारा नाम, मेरा नाम रूपचंद साहब। रूपचंद? हाँ जी। पूरा गांव गुजरों का है? नहीं पूरा गांव गुजरों का तो नहीं है साहब, यहाँ मीणा भी रहते हैं, भील भी रहते हैं। अच्छा फिर गुजर भी रहते हैं। लेकिन गाय भैंस सबके पास है? अरे गाय भैंस तो है अपना, अब की बार परेशान गणाई जा। कैसे? अब की बार बारिश आई नी। हाँ हाँ। जो सब दाम धीमे जो हमारे यहाँ जावरा के अंदर वहाँ जमीन भी है, मतलब बारिश ज्यादा आ गई। बारिश ज्यादा आ गई, चमेल वही नी। हाँ हाँ। तो चमेल उफान ज्यादा ले लिया तो हमारे घरों में 10-10 फीट पानी भर गया। अच्छा यहाँ जावरा गांव में हम वहाँ भी रहते हैं, जावरा भी रहते हैं। तो यहाँ ऐसे टेम्परेरी आए हो गए? अब क्या वहाँ से भग के आ गए यहाँ पे। अच्छा जावरा गांव से? हाँ। कितना किलोमीटर आगे? यहाँ से 6 किलोमीटर है। 6 किलोमीटर कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़ में? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में तो यहाँ तो एक तरह से आप टेम्परेरी रह रहे हो? नहीं टेम्परेरी नहीं, अस्थायी रूप से रहते यहाँ भी। अच्छा। पहले यहीं रहते थे, जमीन। अच्छा। तो फिर बाद में ली हमने। अच्छा। ऐसे यहाँ के रहने वाले बसीवान हम पैदावास के यहाँ के ही हैं। तो आपके धन पशु की हानि तो नहीं है कोई बाढ़ से? ऐसे बाढ़ से? हाँ। अरे बाढ़ से मालिक वो जानवर क्या सब खोड़े हो गए वो पग में, और बहुत ही मतलब क्योंकि वो चारा था नहीं। हाँ। तो ज्यादा बरसात के कारण चारा तो खत्म हो गया। अच्छा तो ये तो क्या करते हम तो सोगला से पाल रहे हैं, बाटा से पाल रहे हैं। ऐसे तो नहीं भैंसे बह गई हो बाढ़ में? ऐसे तो नहीं बाढ़ में तो नहीं गई साहब, पहले पहले लेके आ। हाँ तो नुकसान ही हो गया फिर भी? हाँ नुकसान तो हुआ सर। आप कहाँ से आए? आपके गांव में देखी गौशाला में नहीं होती इतनी ज्यादा तो यहाँ पर है। हाँ हो, ये इनसे भी ज्यादा जंगल के अंदर है ये तो। क्या हम दूध दूध वाली है यहाँ पे तो? अच्छा ये सिर्फ दूध दूध वाली? हाँ बगैर दूध वाली तो जंगल में ही रहती है। कितनी है? ऐसे सब भाई 150-200। आपकी आपकी कितनी है? हमारे? हाँ। हमारे 50 भैंस। 50 भैंस? भैंस गाय भैंस मिला के? नहीं 50 तो भैंसे हैं। हाँ। फिर 50-40-50 गाय हैं। 100 संभाल ले तो याद रह जाती इतनी गाय? हाँ वो ध्यान रखना पड़ता है। वो तो हम तो क्या वो जो छोटे बच्चे होते हैं। हाँ, तो ये बच्चे हाँ, हाँ, इनको भी मतलब 50-100 बच्चे होते हैं, इनको हम पहचानते हैं ये किस भैंस का है। अच्छा इतना ध्यान पड़ता है हमको। और आपके जब सीजन आता है गाय भैंस ब्याने का तब से एक दिन में 2 ब्याह गई 4 ब्याह गई ऐसे भी होता है क्या? हाँ ब्याती है। 4 बच्चे आए 6 बच्चे आए? हाँ 4-4 5-5 ब्याती है रोज की। अच्छा ऐसी बात थोड़ी है कोई, ध्यान पड़ता है। वो एक कलर का होता है तो मालूम पड़ जाता है। पूरी फैमिली लगी हुई होती है फिर? हाँ पूरा ही घर धंधा में, पशुपालन का धंधा में लगा हुआ पूरा परिवार। और दूध बेचते हो या सिर्फ घी भी निकालते? नहीं दूध भी बेचते है घी तो क्या घर अभी दूध वैसे पूरी ब्याई नहीं है, बाद में सर्दी में घी निकालते हैं। हाँ। अभी तो पूरा ही दूध बेचते हैं। अच्छा राउत बाटा कहता है दूध। अच्छा आप कभी गाय भैंस को बांधते नहीं हो? नहीं बांधते गले में? नहीं वो गले में बांधे सिर्फ तो ये बांधे। कब 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 तक बांधे? बांधे तो ये पूरा बांधने में तो टाइम पास हो जाता है बांधने में। अच्छा। ज्यादा जानवर है ना बांध नहीं सकते हम तो ऐसे छोड़ देते हैं। और दूध निकाल लेते हैं वैसे ही पकड़ के इधर करी ये निकाल ऐसे मारती आरती नहीं है आराम से इनका बछड़ा छोड़ा पाड़िया छोड़ा बच्चा छोड़ा दूध निकाल लो फिर बांटा खिला कर फिर जंगल में ताड़ देते वापिस सुबह। एक तरह से जैसे बकरियां रखते हैं सोप सास उनका जैसे करते हैं वैसे इनका हो गया फिर। बकरियों का तो साथ में रहना पड़ता है इसको तो वापिस जंगल में छोड़ देते हैं चल जाएगी जंगल के मत 6 किलोमीटर दूर रात को। अच्छा फिर सुबह ये 4 बजे वापिस आ जाएगी अपने आप आ जाएगी अपने आप आ जाएगी। अच्छा मैं
मांगती है। ये कितनी पुरानी ब्याई हुई है ये? हाँ। ये तो हमने गर्मी के अंदर ब्याई हुई है पाजी, तीन चार महीने वाली भी है। अच्छा दोबारा और ब्याएगी? हाँ तीन चार महीने हो गए। हाँ पाँच महीने की क्या बनेगी? अच्छा पाँच महीने की क्या बने। अच्छा आप अमेरिकन गाय रखते हो? जर्सी? अमेरिकन नहीं रखते हैं। क्यों? तो वो शौक ही नहीं है इधर। क्या कि उनका दूध मतलब पीने वाले अपने शहर के अंदर कम लेते हैं। अच्छा। ये जो अपने ये रिंडी गई है देवनारायण की, निकल जाए निकालना आता है इनका। अच्छा घर पे निकालते हैं क्या? ऐसे तो नहीं है दूध ऊपर चढ़ा जाए? कोई बात नहीं चढ़ा पूरा। ये पूरा आपने निकाल लिया? अच्छा बीच में आके बैठ गए। निकाल के लेके आगे कितना दिया? 2 किलो? हाँ 2 किलो। ये सारी की सारी कैन भर के अभी तुरंत लेके जाओगे? हाँ तुरंत, ये कैने भरते ही अभी राउत बढ़ जाएगा। अच्छा राकेश, दूध पियोगे ना? हाँ पिलेंगे। पिलेंगे? बिल्कुल पिलेंगे। सबसे पोस्ट आप गर्म करके पीते हो कैसे ही पीते हो? चिन्नो अच्छा गर्म करके दूध पियो। भैंस का दूध है ये? गाय का? हाँ लो फटाफट गाय का है, चलो पियो। गाय का अच्छा वाला, दादी जी वाला अच्छा है। पी लो पी लो पी लो पी लो, मीठा मीठा है ना। अच्छा अच्छा, अब ये छोटी बड़ी हो जाएगी। बड़ा होना मेरे जितना? यहाँ यहाँ से तेज है। मेरे जितना बड़ा नहीं है ना? पकड़ के पियो। हाथ से पकड़ो। हाँ गट गट हाथ से पकड़ो। हाथ से सिया बाबू दूध पिया, तुम्हें हाथ से पकड़ो। दूध दूध पियो बाबू, हाथ से पकड़ो। हाँ क्यों अयो कैसा लगा? हाँ डाल दो डाल दो। छोटा गिलास लो, छोटा गिलास लो, ठीक है छोटा गिलास लो। लो एक ग्लास मुझे भी दो। गरम करो थोड़ा सा कर देते। गरम पी लो, बल्कि तो पी लो बिना शक्कर। मैं पी लूं? हल्का मीठा होता है नहीं दूध? गरम करके दे दिया क्या? मुझे ये वाला मजा आएगा। निकाल लिया सबका? नहीं अभी तो और बाकी है। अच्छा और बाकी है। कितना टाइम लग जाता है रोज निकालने में? रोज 1-1.5 घंटा लगता है। 1-1.5 घंटा दूध निकालने में? इतना सुबह इतना शाम? एक व्यक्ति नहीं निकाल पाता, 3-4 लगते हैं? 4-5 आदमी पूरे परिवार के लगते हैं। अच्छा क्या कर रहे हैं? अच्छा वैसे दूध अभी कितना हो रहा है आप आपकी भैंस? अभी 2 कैन भर जाती है अभी तो, अभी कम हो रहा। कम हो रहा? दूध दूध ऐसे 3 दो कैन मतलब 60-60 लीटर के? 40-40 किलो। 40-40 लीटर। और कहीं नहीं बैठे ना आपकी स्पीड से सबसे तेज है फटाफट। स्पीड तो देखना भी आपको पता नहीं, जितना स्पीड से निकाल सकते हो निकालो देखते हैं। 1-2-3-4-5-6
बहुत ताकत लगानी पड़ती है नी? ताकत नहीं, हाथों का जोर होता है। अच्छा हाथों का जोर होता है, लेकिन आप आधा दूध तो नीचे गिरा रहे हो। ये लेना, अब नहीं गिरेगा। वो क्या फेस सही थी ना? हाँ अभी माता जी देखते हैं किसी स्पीड से निकाल रहे। बाकड़ी को दो निकलेगा। आप कैसे कोई भी किसी भी भैंस का निकाल लेता है या फिक्स है कि यही व्यक्ति किसका निकाल? नहीं, किसी का भी। किसी का? आपने हरियाणा रही है? हरियाणा। अच्छा हरियाणा की? एक पाकिस्तानी रही है। आपने कब देखा था वो वीडियो? मेरे मोबाइल में आया। तो वो देवमाली का ही तो था? देवमाली का था ना। हाँ, गाँव का था। वो एक लेडीज थी उसके सामने। हाँ, हाँ। आपकी आवाज लग रही थी मेरे को। वो वीडियो कैसा लगा आपको? वीडियो बहुत शानदार लगा। बहुत शानदार लगा। व्हाट्सएप पे आया था क्या आपके? अच्छा। मेरे दोस्त वहाँ का ये विष्णु भेजा था मेरे। अच्छा देवमाली गांव का है क्या? पड्डे कट्टा है, बाप खाना है, गुजर है, वैसे से बोल रही थी ना। बड़ा पाड़ते है। तो दोस्तों इन्होंने वो देवमाली का वीडियो भी देखा और आपको कैसा लगा? बहुत ही शानदार लगा। अच्छा लगा एकदम, बिल्कुल अच्छा लगा, बहुत शानदार लगा। मेरा प्रयास यही था कि गांव में वो एक्चुअली गांव देखते ही मैं खुश हो गया था, ऐसा गांव आज के समय में है ही नहीं कहीं। नहीं नहीं बहुत शानदार लगा, बहुत शानदार लगा। और वैसे बहुत शेयर भी करा हमने। अच्छा बहुत काफी मेरे गुरु पे कम से कम 225 दिन है उसमें, सब में शेयर करा था मैंने। अच्छा। और बहुत ही शानदार लगा था। अच्छा बहुत ही मजा आया उसमें, मैंने सब मेरी मम्मी को वगैरह सबको दिखाया था। अच्छा ये लो दूध, ये लो दे देना। अरे अरे नहीं नहीं नहीं, दूध क्या? नहीं कोई 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 बात नहीं, तो बच्चे को दे, बच्चे को दे रहा हूँ, बच्चे को दे रहा हूँ। दूध के नहीं है, दूध के नहीं है, बच्चे को कला सिया।